जय हिंद दोस्तों, एक स्पॉटिफाई में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बच्चे केवल जन्म के बाद ही सुन सकते हैं? ऐसा मत सोचना, वे हमेशा से ही जन्म से पहले सुन रहे होते हैं। यहाँ तक कि 2 दिन का बच्चा भी अपनी माँ की आवाज को पहचान लेता है, भले ही वो केवल एक ही शब्दांक सुनता हो या सुनती हो। मतलब बात दरअसल ये आता है कि बच्चे सुन सकते हैं जन्म से पहले ही। फैक्ट नंबर 2, जोलो इट्सक्विंटलाय मेक्सिको का राष्ट्रीय कुत्ता है। इसे कभी कभी मैक्सिकन हेयरलेस कुत्ते के रूप में जाना जाता है। इसका उच्चारण है जोलो इट्सक्विंटलाय। एग्जिट की भाषा में इसे 2 शब्द से आया है। पहला है जोलोट मतलब बिजली और मृत्यु के देवता, और दूसरा है इट्सक्विंटलाय मतलब कुत्ता। फैक्ट नंबर 3, इंस्टाग्राम तो हम सब चलाते हैं, पर क्या आपको पता है कि इंस्टाग्राम को पहले बर्बन कहा जाता है? फैक्ट नंबर 4, मध्य महासागर कटक प्रणाली या मिड ओशन रिज पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो वास्तव में जमीन में नहीं पानी के नीचे है। इसे मिड ओशन रिज सिस्टम कहा जाता है। यह दुनिया भर में फैला हुआ पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं को अगर एक साथ मिलाया जाए तो उसे मध्य महासागर रिज कहा जाता है। दुनिया भर में यह 40,379 मील की दूरी पर फैला है। यह वास्तव में एक वैश्विक मील का पत्थर है। मध्य महासागर कटक प्रणाली का लगभग 90% भाग समुद्र के नीचे है। फैक्ट नंबर 5, कोरोना वायरस, इसका नाम तो आप सब जानते हैं क्योंकि 2020 का ये एक हाईलाइट वायरस था। तो कोरोना वायरस और 2003 के सर्स, ये दोनों वायरस की एक चीज कॉमन है। ये दोनों वायरसों में एक चीज कॉमन है कि दोनों ही कोरोना वायरस फैमिली से आया है, और ये दोनों ही चीन की गीले बाजार में शुरू हुई। फैक्ट नंबर 6, चंद्रमा पृथ्वी के आकार का 27% है। फैक्ट नंबर 7, 1936 में रूसी वैज्ञानिकों ने एक कंप्यूटर का आविष्कार किया जो पानी में चलता था। इंटेल, एप्पल और गूगल से पहले के दिनों में कंप्यूटिंग कहीं अधिक पारंपरिक मामला था। रूसी वैज्ञानिक व्लादिमीर लुकानोवे ने पानी पर चलने वाली एक प्रणाली का निर्माण किया। 1936 में निर्मित ये आंशिक अंतर समीकरणों को हल करने के लिए दुनिया का पहला कंप्यूटर था। फैक्ट नंबर 8, जापान में कुछ क्षेत्रों में नीले ट्रैफिक लाइट है, मतलब हमारे यहाँ जो ग्रीन होते हैं ना, जापान में ग्रीन भी है मगर कई कई जगह पर नील भी है। तो ये नील रंग का जो ट्रैफिक लाइट है, इसका कारण एक है कि शुरू में ऐतिहासिक दिनों में जापानी लोग हरे रंग और नीले रंग के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल करते थे, इसलिए ऐसा हो गया। तो अगर फैक्ट अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर ठोक देना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।